अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। खारघर में विधायक जगन्नाथ शिंदे अप्पा का नागरी सम्मान, केक काटकर सेलिब्रेशन, 68 महिलाओं को बांटी गई साड़ियां। हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, बेकरार हो। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक अप्पा साहब जगन्नाथ शिंदे का मंगलवार की शाम खारघर के 3 स्टार होटल में जन्मदिन मनाया गया। वरिष्ठ हिंदी भाषी नेता और निर्बल सहायता समिति के अध्यक्ष आर्यन यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अप्पा साहब शिंदे ने केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनके हाथों यहाँ 68 गरीब महिलाओं को साड़ियाँ बांटी गई। उन्होंने जनसेवी उपक्रमों के जरिए जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित करने पर समाज सेवी आर्यन यादव और निर्बल सहायता समिति के प्रति आभार भी जताया। निर्बल सहायता समिति की ओर से हमारे मित्र आर्यन यादव जी ने यहाँ मेरा बर्थडे दिवस के या जन्मदिन की शुभकामना के लिए यहाँ ये 3 स्टार होटल में आज कार्यक्रम यहाँ बुलाया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने में हमारे उत्तर प्रदेश के यादव परिवार या उपाध्याय परिवार, पांडे परिवार या हमारे नवी मुंबई के कांग्रेस राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, माननीय नेतागण, पत्रकार, साहित्य मंडली यहाँ आई। मैं तो मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं इस अवसर पे यही कहूँगा कि हर एक आदमी ने अपने जीवन में गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। जो भी आप कमाते हो उसमें से अपने कमाई का 1/10 हिस्सा ये गरीब का होता है, और ये अगर अपन समझकर उनको ये मदद करे तो मेरे ख्याल से अपने देश में गरीबी दूर हो सकती है और गरीब आदमी को भी जीने का अधिकार मिलेगा और वो सही मायने में उनको दवा, बीमारी या और कोई उसकी जो तक उनकी जो समस्या है उससे वो निकल जाएगा। ये केवल हमारा देना नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, और वो कर्तव्य समझकर हर एक आदमी ने ये दुर्बल घटक को या गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। वो दवा में होने दे, वो शिक्षण में कोई शिक्षा देने के लिए वो किताब दे या उनकी फी दे या उसको दवा का मरीज को इलाज करे या उसकी बीमारी दूर करने के लिए उसको मदद करे, इस प्रकार से वो करना चाहिए। अगर अपन ये करते रहेंगे तो हमें सही लाइफ में, अपने जीवन में सही आनंद मिलेगा, इसको ही लोग परमानंद कहते हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और वरिष्ठ हिंदी भाषी नेता आर्यन यादव ने कहा कि अप्पा साहब शिंदे खरे अर्थों में एक लोक सेवक हैं। उनके सेवा कार्यों से प्रभावित होकर ही हम हर साल उनका जन्मदिन जनसेवी उपक्रमों के जरिए मनाते आ रहे हैं। उन्होंने अप्पा साहब शिंदे को जन्मदिन की बधाइयां भी दी। पिछले कई सालों से मैं अप्पा शिंदे साहब का जन्मदिन मना रहा हूं। इसलिए जन्मदिन मना रहा हूं कि मैंने अभी तक जिंदगी में, 62 साल मेरा भी हो रहा है, नहीं देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो हमारे सामने मानव के रूप में दर्शन दे। ये अप्पा को मैं कहता हूं हमेशा, अप्पा आदमी है नहीं, इंसान है नहीं, अप्पा देवता है। ऐसा देवता महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। इस अवसर पर मैं अप्पा 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, कई 100 साल, 1000 साल, कई 1000 साल जिए, ये हमारी ओर से ऊपर वाले से विनती है। कार्यक्रम में पत्रकार अरुण उपाध्याय, नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ एवं वरिष्ठ समाजसेवी मोतीलाल यादव को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यहाँ सचिव ओम प्रकाश तिवारी, महासचिव जितेंद्र पांडे, रामप्रीत यादव,
कपिल यादव, मनोरंजन सिंह, राम समूज यादव, भरत यादव, भाऊ साहब लबड़े, महेश कुमार राउत, प्रदीप पाटिल समेत तमाम लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।